हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल अजंता क्रिएशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रोशिया चलाना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया चलाने की बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वूलन लेंगे, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है, ये किसी भी क्राफ्ट शॉप पे मिल जाती है। देखिए, अब ये है हमारा क्रोशिया, ये नॉर्मली क्रोशिया है। देखिए, इसके आगे ये पॉइंट बना हुआ है, हम इसे क्रोशिया का फेस कह सकते हैं। इसके आगे ये पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट के द्वारा ही हम अपने वूल को होल्ड करेंगे। अब ऊन लेंगे और एक नॉट बनाएंगे। नॉट बनाने के लिए ऊन का एक सिरा लेंगे और इसे इस तरह से राउंड करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से इसे एक के ऊपर एक रख लेंगे और दूसरी डोरी को नीचे से इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों डोरियों को थोड़ा टाइट कर देंगे। अब ये हमारा एक नॉट बन गई है। अब इस नॉट में हम क्रोशिया लेंगे, देखिए, और इसे इस तरह से ऊन को खींच के हम अपनी नॉट को टाइट कर लेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे ऊन को थोड़ा सा लपेट लेंगे। इस तरह से हम लपेट लेंगे। देखिए, अब राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर और थंब की मदद से हम क्रोशिए को पकड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, हमें बिल्कुल उसी तरह से पकड़ना है। अब लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर और थंब की मदद से जो हमने नॉट लगाई है, उस नॉट को होल्ड करेंगे। दिस इज अ होल्डिंग टेक्निक। क्रोशिए को देखिए, इस तरह से घुमाकर जो हमारा ये धागा है, इस धागे को होल्ड करते हुए और जो इसका आगे पॉइंट बना हुआ है, उस पॉइंट से पकड़कर हमें अपनी नॉट में से इसे बाहर लाना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से बाहर आ गया है। देखिए, अब आप दोबारा देखिए, इस तरह से जो हमारा ये पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट से हम अपने धागे को होल्ड करेंगे और नॉट में से बाहर लाएंगे। इन दिस वे, देखिए, बिल्कुल इस तरह से हम इसे पकड़ते हुए बाहर लाएंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे बाहर लाएंगे। आप इसे सिर्फ देखो नहीं, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करो, इससे आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा। जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ती जाएगी, उसी तरह से आप फिंगर और थंब से होल्डिंग करते जाएंगे। फर्स्ट फिंगर से यार्न अगर खत्म हो जाए तो आप उसे दोबारा से लपेट लें। देखिए, अगर आप इसमें एक दो राउंड लेंगे तो इससे आपका हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी और आपका जो यार्न है वो थोड़ा टाइट भी रहेगा। इससे आपके जो फंदे हैं या नॉट्स हैं वो ढीली नहीं होंगे।
इसे हम चैन स्टिच कहते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टिच है। ये सिंपल चैन स्टिच है, सबसे पहले हमें इसी की प्रैक्टिस करनी होगी। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.